डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे जो फरवरी मंथ में आप लोगों को दी हुई है, जिसका आंसर शीट आप लोगों को अपने स्कूलों में सबमिट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर ए, कलकत्ता मदरसा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 780। ओके। बी, स्कूल बुक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, स्कूल बुक सोसाइटी जो है ये किसके जरिए फाउंडेड हुआ था, तो आंसर होगा डेविड हेयर। ओके। सी नंबर, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज, आंसर रहेगा सर जेम्स विलियम कॉलविली। ओके। क्वेश्चन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस इन, आंसर हो जाएगा 1893 AD। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, है मैच द कॉलम्स। कॉलम ए में एकेडमिक एसोसिएशन, तत्वबुद्धि सभा, होतम पेंचन नक्शा, ग्राम वार्ता प्रकाशिका। तो सबसे पहले देखिए, एकेडमिक एसोसिएशन ये किससे मिलेंगे, ये होगा ड्रेजो से। इसके बाद देखिए, तत्वबोधिनी सभा ये होगा देवेंद्रनाथ टैगोर से। होतम पेंचन नक्शा काली प्रसन्ना सिन्हा इसका आंसर होगा। इसके बाद ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा हरिनाथ मजुमदार इसका आंसर होगा। ओके। कॉलम ए कॉलम बी हम लोग का सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, में हम लोग का आंसर इन टू और थ्री सेंटेंसेस, दो या तीन जुमलों में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, आप लोग घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, व्हाई इज लालन फकीर रिमेंबर्ड, लालन फकीर जो है उसको क्यों याद किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, लालन फकीर बाविल साधना के अहम गुरुओं में से एक थे। वह बाविल गन के बेहतरीन मौसीकार और गुलोकार थे। उन्होंने तकरीबन 2000 गाने तरतीब दिए। इसके दिल को छूने वाले गाने इंसानी जिंदगी के इसरार, नजरियात और इंसानी दोस्त नुक्ता नजर को फरोग देते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर बी है सॉरी, व्हाट वाज द रोल ऑफ बैथुन इन स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन, में बैथुन का क्या रोल था, तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो देखिए, बी नंबर में, मगरबी तालीम के फैलाव में बैथुन का क्या किरदार है, तो जवाब होगा जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथुन एक हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला बरतानी मुलाजिम था। इन्हें मगरबी तालीम के लिए स्कूल और कॉलेज कायम करने के लिए याद किया जाता है। उसने बंगाल में हिंदू बालिका विद्यालय यानी मौजूदा बैथुन स्कूल कायम करके खातिन की बेदारी का आगाज किया। बैथुन कॉलेज बरसगीर पाको हिंद में खातिन का पहला कॉलेज है। जॉन इलियट को बैथुन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर इन सेवन और एट सेंटेंसेस या फिर सात या आठ जुमलों में हम लोग को आंसर देना है। हर एक का हम लोग को फोर मार्क्स मिलेगा। ए नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई देयर वाज डिवीजन इन ब्रह्मो समाज, में डिवीजन की हुई थी, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो जवाब देखिए, ब्रह्मो समाज की तकसीम, केशव चंद्र सिंह ने ब्रह्मो पूजा के तरीकाकार और ब्रह्मो धर्म के बुनियादी असूलों को आसान बनाया। देवेंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि ब्रह्मा धर्म हिंदू अजम है और हिंदू मत की आलमगीर सकल है। वह बुद्ध परस्ती के खिलाफ तहरीक या हिंदू मत की किसी और असला के हक में नहीं था। दूसरी तरफ केशव चंद्र सिंह भी हिंदू मजहब और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तहरीक के हामी थे। इस अख्तलाफ की वजह से ब्रह्म समाज टूट गया। केशव चंद्र सिंह ने 16वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान के ब्रह्म समाज की फिर से बुनियाद रखी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द बंगाल रेनेसेंस, की क्या क्या लिमिटेशन थी इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं, 19वीं सदी की निषादी सानिया की कई हदूद थी। एक नंबर, आला तबके की तहरीक, 19वीं सदी की बंगाल की निषादी सानिया को बहुत से लोग अशरफियाओं की तहरीक कहते हैं। उनके नजदीक ये तहरीक मुठ्ठी भर अशरफिया और आला तालीम याफ्ता लोग तक महदूद थी। वह अपनी मुहारत के लिए बरतानी हुकूमत के वफादार थे। उन्होंने अपने छोटे गुरोही मफादात को नजरअंदाज करके वसी तर माशरे की फलाह बहबूद की कोई परवाह नहीं की। समाज का बड़ा हिस्सा मजलूम किसानों का था। दो नंबर, हिंदू समाज की तहरीक, 19वीं सदी के बंगाल की निषादी सानिया ज्यादातर हिंदू समाज तक महदूद थी। इस दौर की असलाही कोशिशें हिंदू मत और समाज से आगे ना बढ़ सकी, लेकिन माशरे का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम तबके के लोग थे। तीन नंबर, शहरी तहरीक, यह निषादी सानिया शहर के पढ़े लिखे मुलाजिमत पेशा और मालदार लोगों तक महदूद थी। गांव के आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इनकलाबी तब्दीली की नाकामी, ये असलाही तहरीक समाजी भी है। इनकलाबी तहरीक की कोई बात नहीं हुई। इस दौर के मुस्लिम सिर्फ हिंदू मजहब और माशरत को बरकरार रखते हुए कुछ असलात करना चाहते थे और कंपनी के साम्राज्य किरदार से भी लाताल्लुक थे। तो इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे
क्लास 10 के हिस्ट्री को सॉल्व किया। अगर इसी तरह का मॉडल एक्टिविटी टास्क किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।